ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायाया। अर्थात ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। सबसे पहले मैं कृष्ण जन्माष्टमी की सबको मुबारकबाद देता हूं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही यानी सारी पृथ्वी ही एक फैमिली के समान है और सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, ऐसा मेरा मानना है। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है जो सब जगह उपस्थित हो। ये तीनों शब्द भगवान के लिए आते हैं, ईश्वर के लिए आते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट माने सर्वज्ञानी, जो सब चीजों का ज्ञान रखता हो। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान की अंग्रेजी है। कृष्ण के बारे में सबसे बड़ी बात यह है, भगवान कृष्ण के बारे में, और फिर से मैं हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी कहना चाहूंगा, बहुत 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 आपको फिर से मुबारक हो कृष्ण जन्माष्टमी, हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज मैंने कुछ गीता के बारे में थोड़ा सा, जो मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया वो आपके लिए मैं बताए दे रहा हूं। मेरी संस्कृत बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कुछ बताने की। श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता वो हिंदुओं का महान ग्रंथ माना जाता है, बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो श्री कृष्ण ने कही थी महाभारत के युद्ध में, उपदेश दिए थे वो है ये, जो अर्जुन को उपदेश दिए थे महाभारत के युद्ध से पहले। गीतोपनिषद यानी श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या होता है ये मैं बताऊंगा। सर्व शोभा संपन्न गुणों से युक्त बोली गई गीतमाला, ये वास्तव में गीता एक गीतमाला है। श्री वेद व्यास जी द्वारा ये बोली गई और श्री भगवान गणेश द्वारा ये लिखी गई। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये उपदेश दिए थे 5100 वर्ष पहले, 5100 वर्ष पहले, लगभग 5100 वर्ष पहले ये गीता भगवान कृष्ण ने उपदेश के रूप में अर्जुन को कही थी और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे इसीलिए संजय ने, जो उनका स्वार्थी था, सारथी था, उसको संजय ने सुनाई थी। देखें इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लें, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। गीता में कुल 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई, बोले गए श्लोक हैं 574, 574। अर्जुन द्वारा बोले गए हैं 85, संजय द्वारा बोले गए हैं 40, और एक धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है, इनका योग बैठता है 700। तो इस तरीके से ये 700 श्लोक और 18वें अध्याय हैं गीता में। गीता कब सुनाई गई इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया तो पता चला, गीता एकादशी के दिन, रविवार के दिन, एकादशी को रविवार के दिन सुनाई गई थी। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। गीता का उद्देश्य है प्रत्येक प्राणी के लिए हम में समभाव उत्पन्न हो जाए, हम हरेक पर दया करें। दया का भाव उत्पन्न करना, समान भाव उत्पन्न करना, यही गीता का उद्देश्य है। इसके 18 अध्याय हैं, 1 से लेकर के 18। तो मैंने 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक भी आखिर में लिखा है और 1-2 श्लोक मैंने अपने कोशिश की है लिखने की, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्राह्य भवति बाहरतः आद्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम च राम्यहम्। अब जरा इसको अंग्रेजी में सुन लीजिए। वेन एवर ओ भारत, वेन एवर राइचसनेस यानी धर्म, राइचसनेस जो है वो धर्म की अंग्रेजी है। राइचसनेस डिक्लाइंस एंड अनराइचसनेस इज रैम्पेंट, आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ। मैं कब जन्म लेता हूं? जब, वेन एवर राइचसनेस डिक्लाइंस, जब जब धर्म की ग्लानी होती है यानी पाप की वृद्धि होती है, और तब तब मैं उसको नष्ट करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, वेन एवर ओ भारत राइचसनेस डिक्लाइंस एंड अनराइचसनेस इज रैम्पेंट, और असत्य बढ़ने लगता है, राइचसनेस अधर्म बढ़ने लगता है, असत्य बढ़ने लगता है और सत्य घटने लगता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं, तब तक मैं प्रकट होता हूं। दूसरा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में संभव होता हूं, इसकी अंग्रेजी देखें, आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ, आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ फ्रॉम एज टू एज टू डिफेंड द पायस। अच्छे धर्मात्माओं को बचाने के लिए मेरा जन्म होता है, डिस्ट्रॉय द विकेट और दुष्टों को नष्ट करने के लिए मैं पैदा होता हूं, अवतार लेता हूं एंड एस्टैब्लिश धर्म, और इस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं तब जन्म लेता हूं जब पाप बढ़ने लगता है और धर्म घटने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म घटने लगता है, तब मैं पापियों को नष्ट करने के लिए जन्म लेता हूं। अब देखें इसका गीता का अंतिम श्लोक, 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जिसमें संजय ने पहले ही पांडवों की जीत को निश्चित कर दिया, अर्थात युद्ध से पहले ही संजय ने जो धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहे थे, वहां की सारी बातें बता रहे थे युद्ध की, उनको वहीं बैठे बैठे सब दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनके पास दिव्य नेत्र थे जो श्री वेद व्यास जी ने उनको दिए थे। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः। अर्थात वेन एवर देयर इज भगवान श्री कृष्णा, वेयर एवर जहां कहीं देयर इज भगवान कृष्णा, जहां भगवान कृष्ण है, द लॉर्ड ऑफ योगा योगेश्वर, लॉर्ड ऑफ योगा योगेश्वर, एंड वेयर एवर देयर इज अर्जुन, जहां अर्जुन है, द वील्डर ऑफ गांडीव धनुष, गांडीव धनुष के जो चलाने वाले हैं, गुडनेस अच्छाई, विक्ट्री यानी जीत, ग्लोरी यानी यश, एंड अनफेलिंग राइचसनेस, अनफेलिंग माने निश्चित, राइचसनेस आर देयर, निश्चित रूप से वही धर्म है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः। सच इज माई कन्विक्शन, ऐसी मेरी ध्रुव न टलने वाला कन्विक्शन है, अर्थात कन्विक्शन है ये मेरी, बिल्कुल पक्का विश्वास है ये मेरा, कन्विक्शन माने विश्वास। असल बात यह है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्ये सर्वभूतानि यंत्र आरूढानि मायया। ईश्वर सभी मानवों के, सभी, उसमें कोई धर्म विशेष नहीं है, ईश्वर सभी के हृदय में रहते हैं और सभी को सही चलना ही सिखाते हैं। सारे धर्म ग्रंथ भी यही शिक्षा देते हैं कि हमें बहुत अच्छा बनना है, सबको संभाव से देखना है, सभी बराबर के हैं, दुनिया में सारे राष्ट्र बराबर के हैं और सभी लोग बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा दुनिया में है नहीं। यही गीता का उद्देश्य है
गीता का उद्देश्य है सब में समभाव उत्पन्न कर देना, क्योंकि हमारे सभी के हृदय में ईश्वर विराजमान है, ईश्वर रहते हैं। एक बार फिर मैं जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। इस ये वीडियो हमें कैसी लगी आपको, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।